जो मेरा नाम साक्षी और आज मैं आपको सबसे इजी टोस्ट बनाना सिखा रही हूँ ना, जिसमें आपको चीज की जरूरत है ना कुछ। ये सिर्फ आप रात की बची हुई सब्जी से भी बना सकते हैं, या फिर अगर शाम का टाइम है इवनिंग स्नैक्स नहीं है तो आप इसे बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि बन सकता है। तो चलिए बनाते हैं तवा टोस्ट। इसके लिए आपको ज़्यादा इंग्रीडियंट्स नहीं चाहिए, सिर्फ आपको दो ब्रेड स्लाइस के चाहिए और कोई भी सब्जी बची हुई रात की पर। लेकिन हाँ, याद रखिए ये सिर्फ सूखी सब्जी के साथ बन सकता है, आप इसे तरीदार सब्जी के साथ नहीं बना सकते। तो मेरे पास यहाँ पे गाइस रात की बची हुई दाल है, जैसे कि आप देख रहे हैं काली दाल है। हाँ, ये माना मैंने भी कहा था कि आप सूखी सब्जी के साथ बना सकते हैं, पर लेकिन ये दाल के साथ भी बन सकता है। अगर आपके पास चावल हो तो आप दाल चावल यूज़ करके बना सकते हैं। ये सिर्फ फ्राइड राइस के साथ, आप इसकी स्टफिंग फ्राइड राइस की करके भी बना सकते हैं। अगर आपके पास कढ़ाई पनीर बचा है तो आप पनीर भी बना सकते हैं। अगर आपके पास अंडे की भुर्जी बचे तो आप भुर्जी के साथ भी चबा सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे दो स्लाइस बैठे हैं, हम सबसे पहले अपनी फ्लेम को ऑन कर देते हैं। तो जब तक फ्लेम, जब तक हमारा तवा गर्म हो रहा है तब तक हम अपनी राइस बैठते हैं। तो स्टार्ट करते हैं राइस। बस सिर्फ आपको दाल ले लेनी है और ऐसे उसे स्प्रेड कर देना है अपने ब्रेड पे। इतने हमारा तवा गर्म हो रहा है तो हम उस पर थोड़ा पॉर्शन इस तरह से स्प्रेड कर देंगे, ताकि जब हम अपने टोस्ट को रखें तो वो लगे नहीं। पास बटर है, बटर का यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास इस समय रिफाइंड ऑयल है तो मैं इसकी उसका यूज़ कर रही हूँ। इसी तरह से हम अपने दूसरे ब्रेड पे भी ये दाल को स्प्रेड कर देंगे। अगर आपके पास मेयोनीज है तो आप मेयोनीज का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास चीज़ है तो आप इस पर चीज़ भी स्प्रेड कर सकते हैं। जैसे कि हमने पहले फर्स्ट पोर्शन पर दाल लगा ली, हम इसको चीज़ स्प्रेड कर सकते हैं और सेकेंड पार्ट पर भी इसी तरह से दाल को हम स्प्रेड कर देंगे। उसके बाद हम इन दोनों को इस तरह से एक टोस्ट की तरह ऐसे कवर कर देंगे। अब देखते हैं हमारी तवा है जो वो गर्म हो चुका है। ध्यान रखिए गाइस, अगर आपने इसे ठंडे तवे के ऊपर छोड़ दिया तो ब्रेड चिपक जाएगा और आपका ब्रेड ख़राब हो जाएगा आपका टोस्ट। तो हम इसे इस तरह से रख देंगे और पलटे से इसे इस तरह से प्रेस करेंगे ताकि जो इसकी फिलिंग है वो बाहर ना निकले। तो हल्का फॉर्चून लेंगे हम अपने ब्रेड पे लगाएंगे एंड देन जैसे आप देख सकते हैं इस पर कितना प्यारा गोल्डन ब्राउनिश कलर आया है। इसी तरह से हम इसे थोड़ा सेक लगने देंगे। अगर तवा ज़्यादा गर्म हो जाए तो आप फ्लेम को लो भी कर सकते हैं। ये देखिए गाइस, जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो ज़्यादा हरी सब्ज़ी खाना पसंद नहीं करते, जैसे आलू बैंगन की सब्ज़ी होती है वो खाना पसंद नहीं करते, तो आप इस तरह से उनको आलू बैंगन की स्टफिंग भर के बच्चों को सैंडविच बना के दे सकते हैं। इस तरह से टोस्ट बना के जिससे वो सॉस के साथ लगा के खा सकते हैं, इससे उनके लिए थोड़ा हेल्दी भी होता है। बच्चे आलू शिमला मिर्च खाना पसंद नहीं करते, अगर आपके पास चिकन की ग्रेवी बची है तो आप उस ग्रेवी का भी बना सकते हैं। दैट्स ऑल्सो यम। सो गाइस, हमारा जो टोस्ट है ये तैयार हो चुका है। आपका तवा टोस्ट सैंडविच
Have it, guys, and enjoy.